मेरा प्रणाम वंदे मातरम। हमारे देश में या संसार में जो भी उच्च विभूतियां हुए हैं उनके जीवन का एक बेसिक आधार है। कोई भी चीज को मानो ईश्वर ने उन्हें अवतरित ही किया है किसी चीज को फिर से सबको बताने के लिए। जैसे हम लोग एग्जाम के पहले प्रिपरेशन करते हैं या रिवाइज करते हैं। जैसे मध्यकाल में था जब बहुत ज्यादा जातिवाद ब्राह्मणवाद ये सब आ गया, उस वक्त गौतम बुद्ध जी का अवतरण हुआ। एक एरा आया जब बहुत समय से हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, छिटपुट ढंग से स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी। इन्होंने कारण भी बताया कि महात्मा गांधी जी वाज अ वेरी गुड मैनेजर ऑल्सो, मैनेजमेंट स्किल बहुत था उनका, वो हर चीज को बहुत माइन्यूटली सोचते थे। बेसिकली एक तो कहावत भी है कि साबरमती के संत, तो उनको संत का भी उपाधि दिया गया। तो वो सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि इस तरह की विभूति का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से बिल्कुल छूटकर पूरे संसार के लिए होता है। उनको वर्ल्ड सिटीजनशिप का भी मिला है कि वो क्या बोलते हैं उसको, फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द वर्ल्ड, मन उनको उस लेवल से विभूति मिला हुआ। जो वो बताए कि स्ट्रगल हमारा जो स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल था उसमें एक फैक्टर और भी था कि जो भी अंग्रेजों के सेना में पदस्थापित थे, जिनको बंदूक चलाना था, जिनको फाइट करना था, उसमें भी 80-90% तो हमारे लोग, देश के लोग थे। क्या था भाई कि वो आज जैसे सरकारी नौकरी में जो लोग वो भी हमारे लोग हैं। मान लो हम प्राइवेट में सरकारी वाले से झगड़ा करें तो कर तो अपने देश के लोगों से कर रहे हैं ना। द सिचुएशन वाज कि अगर हम तलवार उठाए, भाला उठाए, कुछ भी करें, मारेंगे किसको, अपने ही लोगों। हमारे घर में या हमारे चचेरे भाई ममेरे भाई एक सरकार में है और हम बाहर है तो हम चलाएंगे किस पे गोली, उसी पे। इट वॉज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी देखिए, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इतना सुंदर था कि हम भी गए तो उसका पर्पस क्या था कि उनको यहाँ से प्रोग्रेसिवली बहुत सारा बेनिफिट दिख रहा था जो वो वर्ल्ड के हर जगह अपना उपनिवेश बसा रहे। मतलब मोटिव वॉज प्रॉफिट, कि यहाँ से अर्न करते जाना है, खुद भी बढ़िया से रहना है और अपने देश में भेजते जाना। तो ये जो कंसेप्ट आया बायकॉट का कि भाई स्वदेशी अपनाओ, बायकॉट करो, अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारे उनके इंडस्ट्रीज बंद होने शुरू हुई। अब आपको लगता है नमक का ही आंदोलन है तो बहुत सारा चीजें सब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट है जिसको अब उनके साथ रहने वाले या जिन्होंने इनका सबसे अच्छा चीज है कि अगर कोई इनकी जो आत्मकथा है उसको पढ़े तो बेस्ट हो। उसी तरह कोई भी विभूति आए उनके जीवन का एक आधार रहा है, एक मैसेज को वो देख लिया। जैसे अहिंसा वर्ड पे कैसे कोई बिलीव करता, तो किसी पे बिलीव आदमी तब करता है जब उसको कोई जीता जागता देख पाता है। नहीं तो सोच के देखिए कि अहिंसा पे कैसे कोई बिलीव कर सकता है, क्योंकि अहिंसा से ये काम हो सकता, वो हो सकता। आपने जैसे जीवन में एक्सपीरियंस किया तब आप उसको मान पाए कि नहीं, बात में बहुत दम है, इसको हम फ्यूचर में भी फॉलो करें या करें। दूसरा चीज जो आज उन्होंने कहा स्वतंत्रता के बाद की, रियली वी आर नॉट दैट इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेड। जो स्थिति है पिछले एक आध सप्ताह का ही जो न्यूज का स्थिति है और स्त्री और इस पे जो चल रहा है, तो किसी के भी दिमाग को पूरा झकझोर देगा कि हम लोग किस एरा में जी रहे हैं, किस समाज में जी रहे हैं, कितना पतन हो गया है, माने बियॉन्ड कंपैरिजन। ये ठीक कैसे हो सकते हैं, इसमें सबके अपने अपने विचार आने चाहिए। मेरा अपना एक सोच है इसमें, हम लोग एक एरा को जिए हैं और एक लेवल पे जैसे मिट्टी गढ़ते गढ़ते कठोर हो जाता है। एक ही चीज है जिससे आप हर चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं, वो शिक्षा। तो हमारा जो भी स्कूली लेवल से शिक्षा है उसमें दो चीज का इनपुट बहुत जबरदस्त वे में कंपलसरीली होना चाहिए। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ, इंजीनियर होकर आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, कोई डॉक्टर होकर बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें बेसिक संस्कार नहीं हो तो आप आज भी देख रहे हैं कि वैसे भी डॉक्टर्स हैं जो नेट पे आ रहा है कि दे आर जस्ट जो भी कुछ लखनऊ के एक इंस्टीट्यूशन का आ रहा कि वहां जो जितने लोग भी भर्ती हुए सब डेथ घोषित कर दिए गए और उनका शरीर काम बेच दिया। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं, माने आप ऐसे समझिए कि आपके लिए हो सकता है कि किसी को एक थप्पड़ मारने से भी आपको लगे कि अरे
मार तो दिए, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, जबकि कॉमन चीज है। दोस्ती यारी में हो, घर में हो, मम्मी बेटे पे हाथ चला दी, भाई भाई पे हाथ चला दी, लेकिन वहां एक अफसोस का। अब समझिए कि मानवता कितना गिर गया है कि जिसको बहुत नोबल प्रोफेशन है उसका भी ये गलती। मीनिंग इज दिस थिंग्स आर नॉट अचीवमेंट कि समवन बिकम इंजीनियर, समवन बिकम साइंटिस्ट, समवन बिकम दिस। द मोस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट इज टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। ये चीज आएगा कहां से? हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, चल रहा है ये चीज। हम बहुत ब्रॉडर वे में लाएंगे तभी होगा। पूरे पूरे कायनात में जिसको बोलते हैं, अब वो सिर्फ शिक्षा से आ सकते हैं। जापान, इटली, ये सब कंट्री बहुत बैडली इफेक्टेड हुआ और वो फिर से क्यों ग्रो कर गया? क्योंकि उसके शिक्षा पद्धति में दो चीज बहुत क्लियरली मेंशन है। वन इज एकदम देशभक्ति, कट्टर देशभक्ति, मतलब हम जितना लड़ाई झगड़ा कर ले, लेकिन एक बल बाहर तोड़ना रहे और मेरे को दिमाग में, यानी हम तो कहीं ना कहीं अपना घरे का नुकसान करें तो मेरा हाथ रुक जाए। आज आप देखिए कोई भी इंसिडेंट होता तो करोड़ों का संपत्ति को चलाते, बर्बाद करते, सेकेंड्स नहीं लगता। मतलब आपको न्यूज में आया कि पिछला दो घंटा में ये हो गया, वो हो गया। तो अगर वो भावना अंदर भरा जाए, एक देशभक्ति का, और दूसरा चूंकि मैं एक चर्च स्कूल से पढ़ा हूं तो वो इफेक्ट है नीत, क्या बोलते उसको, मॉरल साइंस, जिसको आप आचरण बोलिए जो बोलिए, ये दो चीज मेरे ख्याल से साइंस केमिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको भरी है। अब मान के चले कि हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, माने मान लीजिए जस्ट दो चार पांच एकड़ का एक गांव है, उस गांव में सब लोग रिक्शा चलाते हैं, कोई लोहार का काम करता, कोई कुछ करता, कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं, एक सिंपल जीवन को जी रहा है, लेकिन वो सब लोग अच्छे विचार के, वो जीवन ज्यादा सुखी है कि हम हैं। और अगर बगल में आपके यहाँ कोई कांड हो रहा है, हमको मतलब नहीं, देख के भी हम खिड़की बंद कर लेंगे, कर बोले नहीं कि अरे उनका तो खिड़की खुला था, उनको पता हो, तो हम किस समाज में जी रहे हैं? आज हम अपने बच्चों को बाहर निकलने नहीं देना चाहते, माने घर से बाहर नहीं जाओ, इतना रिस्क है, इतना बुरा गति है कि हम आस पास की में भी भरोसा नहीं करें। माने हम उस समाज में जी रहे हैं जहां इंसान इंसान से डर रहा है, माने हमारा क्या दुर्गति हो रखा है, वेयर वी आर लिविंग। और आप उस गांव की कल्पना कीजिए जहां घर में ताला नहीं लग रहा है, वहां कोई बहुत बड़ा क्वालिफाइड नहीं है, माने ग्रेजुएट कर गया तो जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया गांव का, लेकिन अगर वहां संस्कार जिंदा है, अगर वहां पे एक कोऑर्डिनेशन जिंदा है, देखिए हम परिवार में खुश क्यों फील करते हैं, अगर परिवार के सब लोग अच्छा से मन से बैठे उठे सब है। जीवन का मूल्य उद्देश्य होना ही चाहिए, या हमारा एक बेसिक नेचर है, जैसे अध्यात्म में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा बेसिक नेचर क्या है, हमारा बेसिक नेचर ही है अहिंसा में। आप अहिंसा कीजिए, देखिए आप विचलित होना चाहिए, मारपीट करके आ जाइए, मार दीजिए, एक बार आप किसी पे अपना पावर यूज भी कर दीजिए, आप शैतान है तो बहुत खुश हो रहे होंगे मन में कि आज दिखा दीजिए, लेकिन एक जनरलाइज टर्म में इंसान विचलित होते हैं, मतलब वो शांति हमारा बेसिक नेचर है। जैसे पानी का बेसिक नेचर, आप उसको जिस बर्तन में डालें वो उस बर्तन का रूप ले, उसी तरह इंसान का एक बेसिक नेचर है, वो नेचर है उसको समाज चाहिए। जैसे बोलते हैं मैन इज ए ह्यूमन एनिमल, मीन्स हमें समाज चाहिए, हम अकेले नहीं रह सकते, इसलिए जेल बनाया गया कि हमें सजा देना है, इसलिए हमें ग्रुप से निकाल के अकेले पे डाल दिया। जेल में भी खाना मिलता है तीन टाइम, इवन हो सकता है बाहर आपको कमाने के लिए कितना टेंशन लेना, वहां टेंशन भी नहीं लेना, खाना तो मिल ही जाएगा, राइट? लेकिन वो क्यों बना है? ताकि आपको उस समाज से विघटित कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, आप उसको समझिए वहां पे और उसको अनुभव कीजिए। सो दो तीन जो बेसिक चीजें हैं वो हमें एजुकेशन सिस्टम में लाना होगा, सोसाइटी में लाना, बाकी जो समाज चल रहा है उसको शायद हम नहीं बदल पाएंगे, या हम जहां तक अब बन गए, हम अब खुद से चाहेंगे, या मेरे अंदर जो इनकल्केट हो चुका है वही चीज को शायद हम डेवलप करें। तो ये डेवलपमेंट भी जो है आप में मेरे में, कहीं ना कहीं हमारे स्कूली शिक्षा का ही प्रभाव। अगर आप सबको वो स्कूली शिक्षा नहीं मिलता तो शायद जो लोग यहां है वो लोग यहां नहीं होते, राइट? तो वो एक बेस, वो बीज, ये पौधा का बीज जैसा रहेगा वो पौधा उग रहा है, तो हमें उस लेवल पे वर्क करना चाहिए ताकि कम से कम आने वाला जो पूरा ये है सिस्टम
वो चीज ठीक हो। और ये माने यहां से लेके जो जिस लेवल में, जैसे ये शिक्षा का ही घर है जहां वो खड़े है, तो ये नेशनल, एकदम नेशनल लेवल से वैसे ड्राफ्टिंग होना चाहिए, शिक्षा पद्धति कंप्लीटली चेंज होना चाहिए। और इट शुड नॉट बी वेरी कमर्शियल बेस्ड। आज हम सिर्फ मशीन पैदा कर रहे हैं, नोट कमाने का मशीन। आज ऐसे व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था, मैंने शेयर किया, एक इंजीनियर है तो बोला मुझे कभी भी मैंने इंजीनियरिंग इसलिए ज्वाइन किया था कि कुछ नया आविष्कार करूंगा, कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया सिखाया जाता। लेकिन वहां जाके मुझे यही समझ में आया कि 40 नंबर कैसे लाने हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कैसे जॉब मिल सकता है, कैसे इंटरव्यू फेस करना, इतने तक सीमित रह गया। बाद में उसने पढ़ाई करा लेकिन फिर भी उसे जीवन का पर्पस नहीं समझ पाया। फिर उसे एक 9 साल की लड़की से भेंट हुआ, उसके दो जन्म से ही दोनों बहने थे। बोला बहुत मैं सोचता रहा और मुझे वहां से अपने जीवन का मानो मकसद मिला। और उसने फिर अपने इंजीनियरिंग के बल से बोला, एक कंपनी को मैंने अप्रोच किया, उसको बोला 23-24 लाख चाहिए। बोला मैंने बोला वो कंपनी दे दिया, ये मेरे लिए अचरज था, शायद मैं जॉब खोजता तो नहीं मिलता, और संजोग था। फिर उसने वो स्टार्ट करा उस चीज को और वो अब कृत्रिम अंग बनाता है। और उसने कहा कि ये कार्य करते हुए जो फील होता है, जैसे उसने बहुत सारे फोटोज भी दिखा कि जब वो हाथ लगाया और उसको दिखा रहा कि देखो अब तुम हिल रहा है, अब तुम इसको पकड़ सकते हो, अब तुम चेयर को उठाकर देखो उठा सकते हो, तो बोला जो उसके फेस में सेटिस्फेक्शन दिख रहा है सामने वाला का, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है, जैसे हमने सब कुछ पा लिया। शायद अनगिनत लोग है समाज में जिसको पता ही नहीं है कि उस काम का टेस्ट क्या होता है। जैसे गरीब घर का बच्चा हो, उससे आप पूछेंगे कि काजू का टेस्ट क्या होता है या बहुत कीमती फल का टेस्ट क्या होता है, क्या वो बचा सकते हैं, वो नहीं बता पाएगा। तो कम से कम वो टेस्ट, अच्छा काम करने का टेस्ट क्या है, क्या हम अपने बच्चों को दे पा रहे, शायद उसका टेस्ट ही नहीं है समाज में किसी के पास, इसलिए भी उसके प्रति इनकल्केट नहीं हो रहा है। इतना तो अकल है ऐसे मानव पैदा होने के कारण कि हम विवेकशील हैं, हम उत्तरोत्तर अच्छी चीजों की ओर जाना चाहते हैं। अच्छा से आप बोलिए, अच्छा में अच्छा पैसा कमाना भी हो सकता है, अच्छा घर बनाना भी हो सकता है, मारुति से फिर अच्छी बड़ी गाड़ी की तरफ भी हो सकता है। तो हम हर चीज में अच्छी की तरफ जाए, उसको जिस रूप से लीजिए, उसी तरह से हमें हर व्यक्ति खुश रहने के लिए करता है, वो बर्बादी का काम भी कर रहे तो अपने आप को खुश करने के लिए करता है। तो इस चीज को कैसे इंकल्केट कर किया जाए कि भाई उसमें जो तुमको सुख मिल रहा है उससे शायद बेहतर सुख कहीं और है। आज जो भी, मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, आज जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो बहुत हाई लेवल के हैं, आप उस समझ को थोड़ा सा चेंज करके दीजिए। क्या यह यूथ को यह नहीं समझाया जा सकता, भाई सबकी शादी होनी है, सबको एक वैवाहिक जीवन जीना है, लेकिन उस जीवन को, उस रूप को जीने का आनंद कि आप एक लड़की से प्रेम करें, उसका सम्मान करें, उसकी जरूरतों को पूरा करें और उसके बाद देखें आपको क्या सुख है उससे। इसका मतलब है किसी को उस सुख का अनुभव नहीं है या वो सुख चाहिए नहीं या उससे वो बहुत दूर दूर है, खबर नहीं है, इसलिए वो इतना महापाप करने पे उतर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सब चीज फिर शिक्षा का पार्ट है। अगर इस चीज को किसी भी रूप से किया जाए तो वो बेहतर समझ। एक और चीज है, जैसे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कुछ चीजें ऐसा है जिसको आप नहीं सुधार सकते, उसको बोलते हैं दुष्ट, माने वो फिर एक्सट्रीम हो गया, तो उसको फिर नष्ट ही कर देना चाहिए या उससे आप बिल्कुल दूर रहिए। बोलते हैं ना कि संगति आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, संगति से माने जितना भी कॉस्ट लगे आपको बेस्ट पॉसिबल संगति में रहना चाहिए। तो कुछ है जो एक्सेप्शन है, जैसे आपको हैदराबाद वाला केस था, अगर उसका इनकाउंटर कर दिया गया वो केस ही खत्म हो गया, इट वॉज गुड एनफ, राइट। तो इस तरह की चीजें होना चाहिए और हर एरा के अनुसार, हर सिचुएशन के अनुसार। एरा से मतलब है स्वतंत्रता के समय का रिक्वायरमेंट कुछ और था, जब जौहर प्रथा था उस समय का रिक्वायरमेंट कुछ और था, जरूरी नहीं है कि वही चीज अप्लीकेबल अभी हो। तो अब क्या अप्लीकेबल है वो हम लोग जो झेल रहे फेस कर रहे इसके अनुसार फिर डिसाइड होकर वो रूप निकलना चाहिए। बेस वही रहेगा, प्रेम करो, अहिंसा का पालन करो, टुगेदरनेस हो, भाईचारा का संबंध हो, लेकिन उसका रूप समय के अनुसार चेंज हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।